2018 में कुछ खास होने वाला है क्योंकि बॉलीवुड को मिलने वाले हैं नए चेहरे। सबसे पहले बात करते हैं जाह्नवी और ईशान की। श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर शाहिद कपूर के भाई ईशान खट्टर के साथ फिल्म धड़क से बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं। इस फिल्म को शशांक खेतान डायरेक्ट कर रहे हैं। इसका पहला शेड्यूल पूरा हो चुका है। सारा अली खान, सैफ अली खान और उनकी एक्स वाइफ अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान अभिषेक कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म केदारनाथ से बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं। फिल्म की कहानी की पृष्ठभूमि केदारनाथ में आई बाढ़ पर आधारित है। हालांकि उनकी अभी पहली फिल्म रिलीज नहीं हुई है, लेकिन खबरें आ रही हैं कि सारा ने दूसरी फिल्म भी साइन कर ली है। केदारनाथ के बाद सारा रोहित शेट्टी और करण जौहर की आगामी फिल्म सिम्बा में लीड रोल निभा सकती हैं। उनके साथ रणवीर सिंह भी दिखेंगे। अंकिता लोखंडे, अंकिता कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही है। फिल्म में जहां कंगना झांसी की रानी का रोल निभा रही है, वहीं अंकिता झलकारी बाई का किरदार निभाती दिखेंगी। इन दिनों सोशल मीडिया पर अंकिता लोखंडे अपनी कई तस्वीरें शेयर कर रही हैं। बनीता संधु, 20 साल की मॉडल बनीता सिंधु अक्टूबर में बॉलीवुड में अपने करियर का आगाज करने जा रही हैं। बनीता कई टीवी कमर्शियल्स में आ चुकी हैं। मोनी रॉय टीवी सीरियल नागिन से काफी फेमस हो चुकी हैं। इस साल वे अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड से बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं। मोनी रॉय को एकता कपूर के फेमस सीरियल नागिन से अलग पहचान मिली थी। इसके बाद वे लाइफ ओके के शो देवों के देव महादेव में भी काम कर चुकी हैं। दलकीर सलमान कई सुपरहिट मलयालम फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग दिखा चुके हैं, लेकिन अब वे बॉलीवुड में भी धमाकेदार एंट्री करने जा रहे हैं। आपको बता दें, दलकीर फिल्म कारवां से बॉलीवुड में डेब्यू करेंगे। ये फिल्म इसी साल जून में रिलीज होगी। दलकीर साउथ फिल्मों के सुपरस्टार ममूटी के बेटे हैं। आयुष शर्मा, सलमान खान के जीजा और अर्पिता खान के पति आयुष शर्मा फिल्म लवरात्रि से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। एक ताजा रिपोर्ट की माने तो इस फिल्म में खुद सलमान खान भी नजर आ सकते हैं। फिल्म में आयुष के ऑपोजिट एक्ट्रेस वरीना हुसैन भी होंगी। आपको बता दें, वरीना की भी ये पहली ही फिल्म होगी। सहर करण, देओल परिवार की तीसरी पीढ़ी इस साल बड़े पर्दे पर अपना जलवा दिखाने की तैयारी कर चुकी है। सनी के बेटे करण बॉलीवुड में पल पल दिल के पास इस टाइटल वाली फिल्म से डेब्यू करने जा रहे हैं। उनके साथ इस फिल्म में सहर भी दिखाई देंगी। सहर कई ब्यूटी पेजेंट का हिस्सा भी रह चुकी हैं। तो बॉलीवुड तैयार हो जाइए, इस साल आपको कई बेहतरीन फिल्में और कई बेहतरीन चेहरे देखने को मिलेंगे।